हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इसमें। चलो वीडियो में आपको बताऊंगा कि फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कितने डे के बच्चों को कितना खाना देना चाहिए। अगर से आप ज़्यादा खाना दे दोगे तो डाइजेशन के प्रॉब्लम आके कुछ बच्चों डैमेज होने के चांसेस है। अगर से कम खाना दोगे तो आप बच्चे नादाद हो जाने के चांसेस है और ग्रोथ जल्दी नहीं बढ़ने के चांसेस है। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक देखिएगा वीडियो। अगर से मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियोस आते हैं आपको। पहले एक बात बता देना, आपके फार्म में एक से लेकर सात दिन तक जो चिक्स रहते हैं इस तरह जो देख रहे हो, इस तरह के जो चिक्स रहते हैं एक से लेकर सातवें दिन पे 100 चिक्स को 500 ग्राम देना चाहिए आपको दाना। किस तरह, मतलब ये जो वाटर डब्बा रहता है ढक्कन, एक लीटर का वाटर का ढक्कन रहता है जो, इसमें 5 ग्राम आ जाता है। एक ढक्कन में दो बच्चे खा लेंगे, इस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको। आपको भी यकीन आता है ना दोस्तों, मतलब 500 ग्राम क्या करेक्ट है या नहीं, गलत है कहकर। सात दिन तक आपको 500 ग्राम देना है 100 बच्चों को। उसके बाद जब सातवें दिन क्रॉस होता है, 7 से लेकर 15वें दिन तक थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 700 ग्राम देना है। 7 से 15 दिन के बीच में 700 ग्राम 100 बच्चों का। आपके पास जितने बच्चे वो हिसाब कर आप डाल सकते हो। उसके बाद जब 15 दिन क्रॉस होते हैं बच्चे, 15 से लेकर 30 दिन के बीच में 1 किलो डालना है आपको। उसके बाद जब 30 दिन क्रॉस हो जाता है आपको, 30 से लेकर 45 के बीच में आपको 1200 ग्राम्स, मतलब 1 किलो 200 ग्राम डालना चाहिए आपको 45 डेज तक। उसके बाद 45 डेज से फिर आपको 45 जो डेज होता है, फिर 15 दिन ऐड करना है उसको। 15 दिन ऐड कर कितना हो जाएगा, 45 से लेकर 2 मंथ्स, मतलब 60 डेज तक आपको 1.5 किलो डालना है। 1 किलो 200 ग्राम पहले डाले हो, उसके बाद 1.5 किलो डालना है आपको। यहाँ पर पेपर पे एक लिख कर दे दूंगा आपको स्क्रीन पर, इस तरह डाले आप। क्योंकि इससे क्या होगा, आप ज़्यादा खाना डालोगे ना तो बच्चों को क्या होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए बच्चों का जो डाइजेशन वो सही तरीके से हजम ना होकर कुछ बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं डालना है, और कम डालोगे तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं और ग्रोथ जल्दी नहीं आता है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं चिट्ठी दे दूंगा एक लिख कर आपके लिए, आपको दिक्कत ना आए मेरे बोलने में, आपको समझ में ना आए तो भी ये चिट्ठी देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मेरे हर वीडियोज़ को आपको आने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब दिख रहा है बस वो दबाने से मेरे हर वीडियोज़ आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना चाहने के लिए।